कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए आईजी विपिन पांडे ने बताया कि 24 मई को विज्ञान नगर इलाके में एक बोरी के अंदर हाथ पैर बंधा महिला का शव मिला था। महिला के मर्डर के बाद पुलिस ने टीमों का गठन भी किया और मामले की पड़ताल भी शुरू की। उसके बाद आरोपी महावीर को कुन्हाड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया, महिला के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए महिला के शव को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी है और महिलाओं को अपना निशाना बनाता है। वहीं सूरसागर के उद्योग नगर थाना इलाके में करीब 23 साल पहले हुई माँ बेटी की हत्या की वारदात को भी इसी आरोपी ने अंजाम दिया था और 2003 में भी आरोपी ने निम्भाड़ा में एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। नगर क्षेत्र में जो बंद बोरियों में एक महिला की लाश मिली थी, प्रथम दृष्टया लग रहा था कि हत्या का मामला है। उसमें आज पुलिस को मुलजिम गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। एक अज्ञात लाश थी जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसमें मुलजिम को हमने मोहन सिंह उर्फ महावीर को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से केकड़ी अजमेर का रहने वाला है, पर वहाँ से काफ़ी सालों से वो निकल गया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान हमें यह भी पता चला है कि इसने निम्बाहेड़ा में एक मर्डर और बलात्कार में सजायाफ्ता था, जो ओपन जेल सांगानेर से फरार हो गया था। वहाँ भी मुकदमा दर्ज है फरारी का। और एक सनसनीखेज वारदात 97 में उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक महिला और उसकी पुत्री की भी हत्या करी है। ये जो अभी तक वो ओपन नहीं हुआ था, उसको हम रीओपन करेंगे। ये शराब पी के दुश्मन करने के प्रयास करता था और जब भी कोई विरोध करता था तो ये वायलेंट हो जाता था और इस तरह का अपराध करता था। अपराध करने के बाद ये शरीर के साथ बहुत ही विभत्स छेड़छाड़ करता था। उस पर महिला को टारगेट करना और उसके शरीर के साथ छत विछत करना, हथियारों के जो भी मौके पर उसके हथियार उपलब्ध।